कतरा कतरा मैंने अपने खून का देश के नाम कर दिया, अब तुम्हारे हवाले करता हूँ मैं अपना मुल्क, मैंने अपना काम कर दिया। ये अमर शहीदी पंक्तियां देश के हर उस जवान की है जो अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर देता है, और ये ख्याल आज देश के उन दो बेटों के मन में भी आया होगा जो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकियों की फायरिंग के दौरान शहीद हो गए। दोनों जवान झुंझुनू के रहने वाले थे। शहीद हुए दोनों जवानों के नाम ब्रजेंद्र कुमार और अजय नरुका है। अजय नरुका झुंझुनू के भेसाफ्ता कला गांव के रहने वाले थे और ब्रजेंद्र कुमार डुमोली गांव के रहने वाले थे। नमस्कार, मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए झुंझुनू के दोनों जवानों का पार्थिव शरीर जयपुर पहुंचा। सुबह करीब 10 बजे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एयरपोर्ट पहुंचकर दोनों शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि सेना और सरकार ईंट का जवाब पत्थर से देगी। वहीं सुनिए डोटासरा ने इस मौके पर क्या कहा। सपूत अजय सिंह और विजेंद्र सिंह जी शहीद हो गए, हम उनकी शहादत को सलूट करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके माता पिता को प्रणाम करते हैं जिन्होंने ऐसे वीर सपूत जो देश के लिए शहीद हो जन्म दिया। और ये हमारे लिए दुखद भी है कि हमारे दो जवान आतंकवादियों की गोलियों से शहीद हो गए, और हमारे लिए गर्व की बात भी है कि ऐसे सपूत शेखावाटी में और राजस्थान में जन्मे जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की लेकिन देश की एकता और अखंडता को रखा। मैं समझता हूं कि ऐसी घटनाएं काफी बढ़ रही हैं, इन सालों में काफी बढ़ी हैं, ये कम होनी चाहिए, खत्म होना चाहिए, आतंकवाद समाप्त होना चाहिए, और इसके लिए केंद्र की सरकार को कुछ सख्त कदम उठाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि भाई एक के बदले 10 सर लाएंगे, पाकिस्तान को घर में घुस करके मारेंगे, चाइना को लाल आंख दिखाएंगे। तो मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं तो उनको कोई कड़ा एक्शन लेना चाहिए जिससे ये आतंकवादी हिमाकत नहीं कर सके इस तरीके की और हमारे एरिया में घुस करके हमारे जवानों को शहीद नहीं कर सके। मैं इनके शहीदों को नमन करता हूं और हम कोई राजनीति की बात नहीं करते, इसको शहीदों को राजनीति में नहीं बांटना चाहते हैं, बट ये केंद्र की सरकार से हमारी मांग रहेगी कि इसमें सख्त एक्शन होना चाहिए और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हमारे वीर सपूत अजय सिंह और अमरिंदर सिंह हमारे जो शहीद हो गए हमारे हमले में, ये हमारे सबके लिए दुख की बात है और एक तरफ से गौरव की बात भी है कि हमारे सपूत शेखावाटी के सपूत जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करके शहादत दे दी, तो ऐसे शहीदों को हम सत सत नमन करते हैं, सलूट करते हैं, इनके माता पिता को भी इन लोगों को प्रणाम करते हैं, और निश्चित रूप से ये सिलसिला रुकना चाहिए। काफी आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, तो हमारी सरकार को, केंद्र सरकार को इसके ऊपर कुछ कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि 10 साल से हम देख रहे हैं कि बातें बड़ी बड़ी लेकिन उन बातों पे कोई अमल नहीं हुआ, और आए दिन आतंकवादी हमारे घर में घुस करके हमारे नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, मार रहे हैं, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन हमारा इतना निवेदन जरूर रहेगा प्रतिपक्ष के नाते कि सरकार को इसमें कुछ सख्त एक्शन लेना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की आतंकवादी घटना में हमारे कोई जवान शहीद ना हो। अंत्येष्टि के दौरान कांग्रेस के कोई बड़े लीडर वहां पर रहेंगे? हम बिल्कुल लेके रहेंगे, इसमें कोई दौरान नहीं, तो हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है, तो निश्चित रूप से हमने तय कर रखा है, इसमें कांग्रेस बीजेपी कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे देश के शहीद है, हमारे प्रदेश के शहीद है, हमारे देश के लिए इन्होंने शहादत दी, इसलिए इसको हम पार्टियों में नहीं बांटना चाहते। हमारा सबका धर्म बनता है कि हम इनको सलूट करें, प्रणाम करें और इनकी शहादत को नमन करें। बता दें, ब्रजेंद्र कुमार और अजय नरुका दोनों एक साथ सेना में भर्ती हुए थे और दोनों की शहादत भी एक साथ हुई। शहीद हुए ब्रजेंद्र कुमार के परिवार में पत्नी और दो बेटे हैं। जानकारी के अनुसार ब्रजेंद्र 5 दिन पहले घर आने वाले थे लेकिन उनकी छुट्टी रद्द हो गई। वही शहीद जवान अजय नरुका के पिता और चाचा दोनों ने सेना में रहकर देश की सेवा की, उन्हीं से प्रेरित होकर वो सेना में भर्ती हुए थे। अजय की 3 साल पहले शादी हुई थी और वो 18 जुलाई को घर आने वाले थे,
लेकिन उनके घर आने से पहले उनकी शहादत की खबर घर पहुंची। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।